पीनी। मारे को थारे से कुछ बात करनी है, कुछ बताना है थारे को। कहिए ना बाबू। एक बात छुपाई है थारे से और बाकी सब परिवार से। वो कल जठे तो जांच कर रही थी उस मकान में, आरजू बीनड़ी ने मैं नहीं रखवाया था। मैं कुछ समझी नहीं बाबू। मतलब असल में बात है कि अपनी पहली होली छोटू के साथ मनाना चाहती थी। वो मारो मन पिघल गए हो, उसे दिल्ली से अठे तक लाने की गाड़ी, उस मकान को इंतजाम, उसे नया फोन लाकर दिया मैंने, और रोज रोज सत्संग के बहाने उसे मिलने जाती थी। और हाँ बीनड़ी, वो जो मेथी मटर की सब्जी तूने खाई थी वो आरजू बीनड़ी के ही हाथों से बनी थी। ये मेथी मटर की सब्जी आप लाई है? नहीं, मतलब दोनों का रंग भी एक जैसा है, खुशबू भी एक जैसी आ रही है, ऐसा लगता है दोनों एक ही जगह से लाई गई हैं। एक दिन जब मैं आरजू बीनड़ी से मिलकर वापस लौट रही थी तो कुछ आवाजें सुनाई थी मारे को, शायद वो आरजू बीनड़ी के साथी थे। पाकिस्तान की जीत होगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बहुत घबरा गई थी बीनड़ी, मारे को कुछ न समझ आ रहा था कि क्या करूं और क्या कहूं, क्या बातें हो रही थी, कुछ न समझ आ रहा था। उसकी होने की इच्छा के आगे मैं उसकी मदद करने के लिए चल पड़ी। मारे को पता था बीनड़ी कि अगर मैं तारे को बताऊंगी तो तू उसे वापस भिजवा देगी। मारे को ना पता था बीनड़ी कि आरजू बीनड़ी की सच्चाई के है। मारे को पता है बीनड़ी कि मैंने बहुत गलत किया तारे से छिपा छिपा कर, तारी अपराधी नु बीनड़ी। हो सके तो अपने बाबू को माफ कर देना। सच है मैं कुछ न जानती थी। के रहने के लिए उस मकान का इंतजाम बाबू ने किया था, आरजू ने नहीं। इस हिसाब से तो आरजू संजोग से उस मकान में रह रही थी। आरजू पुष्कर बाबू की वजह से आई। बाबू ने आरजू को पुष्कर बुलाया,
लीजिए। आवाज थी वो कुछ अजीब सी आवाज थी वो क्या था वो जो मुझे सर से टकराया था उसके अचानक उसकी आवाज कैसी थी बड़ी अजीब सी आवाज थी उसकी और मेरे सिवा यहाँ कोई भी नहीं था मैं यहाँ बैठी थी उसके बाद मैं बेहोश हो गई पर मैं जब उठी तो सब ठीक था यहाँ कुछ मेरे पैर से टकराया था देखिए मैं क्या था वो जो मेरे पैर से टकराया था क्या था वो वही मेरे सर से टकराया था हो सकता है वो नीचे गिरा चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी है और थ्रोन के दौरान चारों तरफ नजर रखेंगे दिखाइए जी बहुत बहुत धन्यवाद अभी मैं जरा बिजी हूँ जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ हाँ हाँ मैं अभी रखती हूँ थैंक यू मैडम ड्रोन कैमरा की सारी फुटेज मैंने लैपटॉप में डाल दी है आप देख लीजिए जी प्ले कीजिए दोबारा प्ले करो
इसका मतलब हरदम उस पर हमला करने के लिए नहीं, मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़ रही थी। हरजू मेरी गोली लगने के बावजूद उसने हिम्मत की और टैंक का वॉल्व खोलकर सबकी जान बचा ली। लक्ष्य ग्रह की आग हरजू ने बुझाई है, सबकी जान हरजू ने बचाई है। इसका मतलब अर्जू अपराधी नहीं है, ये दोष है, ये क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैडम वीडियो से तो सारी चीजें क्लियर हो गई, मगर सवाल ये उठता है कि अगर अर्जुन निर्दोष तो वो पुलिस कस्टडी से चोरों की तरह भागी क्यों? सर कोई बात होगी, सबकी जान अर्जुन ने बचाई है, पानी के टैंक का वॉल्व अर्जुन ने खोला है। हेलो संध्या जी, डॉक्टर कुमावत बोल रहा हूँ। आरजू की हालत काफी बिगड़ती जा रही है, उसे तुरंत ब्लड की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि उसका ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट ए भी नेगेटिव है, अगर उसे ब्लड नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, आरजू को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए अजमेर, पुष्कर, राजस्थान के सारे शहर, पूरे देश के ब्लड बैंकों को आप कॉन्टेक्ट कीजिए, लेकिन आरजू के लिए खून मंगवाइए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब, वो हमें जिंदा चाहिए, आपको उसे बचाना ही होगा डॉक्टर साहब। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। आरजू की तबीयत बहुत नाजुक है, मैं मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। जी मैडम। संध्या जी, जिस तरह आपने अपनी जान पर खेलकर सबको बचाया है और आतंकवादियों का पर्दाफाश किया है, उसके लिए पूरा देश आपको सलाम करता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? प्लीज संध्या जी कुछ बताइए इस बारे में। खुद अपने ही देवरानी पर गोली चलाकर आपके हाथ नहीं कांपे क्या? आपको पहले उन पर शक नहीं हुआ? बोलिए मैम, बताइए। प्लीज संध्या जी कुछ बोलिए इस बारे में, बताइए मैम। माफ कीजिएगा, मैं अभी आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती, मुझे जाने दीजिए प्लीज। प्लीज हेलो, मैं सिस्टर संध्या राठी बोल रही हूँ। आपके ब्लड बैंक में ए बी नेगेटिव ग्रुप का ब्लड होगा क्या? सॉरी मैडम, इस ग्रुप का ब्लड इस वक्त हमारे पास नहीं है। हाँ जी ठीक है। थोड़ा तेज चलाइए, हॉस्पिटल पहुँचना है जल्दी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।